पश्चिम बंगाल में 8 चरण में वोटिंग होगी, 2 मई को नतीजा आएगा। कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबले होंगे, एक से एक बल्लम टकराएंगे। हम इन मुकाबलों की बातें आपसे करेंगे। आज बात डेबरा सीट की। डेबरा जहां 2 पूर्व आईपीएस आमने सामने होंगे, भारतीय जनता पार्टी से भारती घोष और तृणमूल कांग्रेस से हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर वही अधिकारी हैं जिन्होंने अभी जनवरी 2021 में ही व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जनवरी में ही बंगाल में एक रोड शो के दौरान जब गोली मारो वाला विवादित नारा लगा था तो हुमायूं कबीर ने 3 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले के कुछ दिन बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था, मेरे इस्तीफे के कुछ कारण हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे सेवामुक्त हो जाने दीजिए। कबीर के अचानक इस्तीफा देने के बाद से ही उनकी राजनीति में जाने की अटकलें शुरू हो गई थी। 30 अप्रैल को वे रिटायर होने वाले थे, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने 31 जनवरी को पद छोड़ने का फैसला किया। इसी के कुछ दिन बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। दूसरी तरफ है भारती घोष। हार्वर्ड से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुकी हैं, संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग मिशन में भारत की ओर से भेजे गए अधिकारियों में शामिल थी। भारती ने फरवरी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि नक्सल आंदोलन के समय भारती घोष तत्कालीन सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की करीबी रहीं। हालांकि लेफ्ट की सरकार जाने के बाद वे ममता बनर्जी की काफी करीबी बन गईं। लेकिन 2016 के पंचायत चुनाव में भारती के क्षेत्र में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, ममता नाराज हो गईं। इसी बीच फरवरी 2018 में भारती घोष की 3 प्रॉपर्टीज पर सीआईडी के छापे पड़े जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश मिला। इसकी जांच के बीच 1 साल बाद भारती ने भाजपा ज्वाइन कर ली। जहां हुमायूं कबीर का ये पॉलिटिकल डेब्यू है, वहीं भारती घोष इससे पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं जिसमें उनको हार मिली थी। जहां तक बात डेबरा सीट की है तो यहां कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच मुख्य मुकाबले की बात हो रही है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन का वोट बैंक भी ठीक ठाक है। चुनाव पर नजर रख रहे लोगों का कहना है कि मुकाबला नजदीकी हो सकता है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।